न्यूज़ राइटिंग, न्यूज़ राइटिंग एंड इन दिस सेशन वी डिफाइन न्यूज़, डेफिनेशन ऑफ न्यूज़, एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़, न्यूज़ वैल्यूज, न्यूज़ सोर्सेज, न्यूज़ रिपोर्टिंग, सेलेक्टिंग न्यूज़ एंड टू टाइप्स ऑफ न्यूज़ दैट इज़ हार्ड न्यूज़ एंड सॉफ्ट न्यूज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं न्यूज़ के बारे में, हमारे पास न्यूज़ है क्या। ठीक है, की पॉइंट जैसे हमने देखे कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूज़, नेक्स्ट इज़ द एलिमेंट ऑफ न्यूज़, नेक्स्ट इज़ न्यूज़ वैल्यूज, सोर्सेज ऑफ न्यूज़, न्यूज़ रिपोर्टिंग, सेलेक्टिंग न्यूज़, हार्ड न्यूज़ एंड सॉफ्ट न्यूज़। ये तमाम चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं कि न्यूज़ है क्या चीज़। ठीक है, अगर हम सिंपलेस्ट वे में न्यूज़ को बताएं तो न्यूज़ क्या है, वो एक स्पाइनल कॉर्ड है जर्नलिज्म का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्पाइनल कॉर्ड जर्नलिज्म का कैसे है। ठीक है, कोई भी जो स्पाइनल कॉर्ड होता है किसी भी एनिमल का, तो वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, ऑन द होल एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है उसके स्पाइनल कॉर्ड में। तो इट्स मीन कि जो जर्नलिज्म है उसका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो न्यूज़ है। ठीक है, और इस लिहाज से न्यूज़ की मैनी डेफिनेशन हैं, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन जो हैं वो बताई गई हैं। फर्स्ट इज़ न्यूज़ इज़ एनी थिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी। न्यूज़ क्या है, वो जो है वो कोई ऐसी चीज़ जो कि ऑर्डिनरी नहीं है, उसको हम न्यूज़ कह देते हैं। ठीक है, अब हम ये कहें कि न्यूज़ इज़ द अनयूजुअल पिक्चर ऑफ लाइफ, यानी एक स्मूथ लाइफ किसी की चल रही है और उसमें जो है वो अनयूजुअल कोई चीज़ आ जाए तो वो न्यूज़ होगी। ठीक है, सो डिस्टर्बिंग एलिमेंट इन एनी सिचुएशन, इन एनी सिचुएशन डिस्टर्बिंग आर इन्फ्लुएंसिंग एनी एलिमेंट जब उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो वो उस सिचुएशन को न्यूज़ बना देगा। सो न्यूज़ इज़ बेसिकली द रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट दैट इज़ फ्रेश, अनयूजुअल एंड विच इज़ इंटरेस्टिंग टू अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो न्यूज़ है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि न्यूज़ कंप्राइज ऑल द करंट एक्टिविटीज़ विच आर आउट ऑफ ग्रेटर जनरल इंटरेस्ट एंड द बेस्ट न्यूज़ इज़ इंटरेस्ट मोस्ट ऑफ द रीडर। कहने का मतलब ये है कि न्यूज़ जो है वो उस इवेंट को एक फ्रेश जो है वो पिक्चर, जब हमें किसी चीज़ की बताई जाती है तो हम कहते हैं जी न्यूज़ है। ठीक है, हम अनयूजुअल क्या होगा कि इंसान जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो ईट कर रहे होता है, लेकिन अगर जो है, और उसके साथ साथ एक और न्यूज़ की डेफिनेशन है कि न्यूज़ जो है वो, अगर हम ये कहेंगे कि एक कुत्ते ने इंसान को काटा है तो वो जो है वो न्यूज़ नहीं होगी, क्योंकि डेली जो है वो ये इश्यूज़ होते रहते हैं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि इंसान ने कुत्ते को काटा है तो इट्स मीन इट्स अ न्यूज़। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि एक स्मूथ लाइफ चल रही है, मार्केट के अंदर जो है वो गेमी है, लोग जो है वो अपनी चीज़ें परचेज कर रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ों में अगर कहीं पे कोई जो है वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ जाता है उस मार्केट के अंदर अचानक से, और उस एलिमेंट को हम लोग देख रहे होते हैं या उस एलिमेंट की जो है वो प्रेजेंटेशन हो रही होती है कहाँ पे किसी मीडिया में, तो क्या होगा, वो एलिमेंट उस इन्वायरमेंट को जब डिस्टर्ब कर देगा तो क्या होगा, वो न्यूज़ बन जाएगी। ठीक है, या उसने आके कोई चेंजेस कर दी तो वो न्यूज़ बन जाएगी। ठीक है, इस तरह की हम लोग जो है वो डेली बेसिस पे लाखों हज़ारों न्यूज़ देख रहे होते हैं। मूव करते हैं हमारे पास न्यूज़ बेसिकली करती क्या है। ठीक है, अब न्यूज़ की जब हम बात करते हैं कि न्यूज़ जो है वो क्या करती है, वॉइस आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नहीं है तो आप जो है वो काइंडली अपने उसको ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे। आई रियली डोंट नो कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर क्यों नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूज़ के नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि हमारे पास न्यूज़ जो है वो किस तरह से बनती है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे।
यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं वो काइंडली थोड़ा सा जो है वो पेशेंस रखें और अपना जो लेक्चर है उसकी तरफ तवज्जो देंगे, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है, अच्छे तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो नोट्स हैं साथ साथ ये आपको अवेलेबल होंगे नोट्स भी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोग जो है वो सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ न्यूज़। न्यूज़ की हम लोग जो है वो डिटेल में देखते हैं कि न्यूज़ है क्या चीज़। जैसे हमने कहा कि कोई भी अनयूजुअल जो है वो एलिमेंट या अनयूजुअल ऐसी पिक्चर आ जाएगी कहीं पे या अनयूजुअल थिंग हैपन हो जाती है तो क्या होता है कि न्यूज़ बन जाती है, ठीक है। अगर हम ये कहेंगे कि नॉर्दर्न एरियाज़ में इतने ज़्यादा ट्रेवल जो है वो लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, फॉर फॉर दिस पर्पज़, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग जो हैं वो किसी और रीज़न से जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तजारत की रीज़न से लोग जाते हैं, घूमने फिरने की रीज़न से जाते हैं, लेकिन अगर हम ये कह दें कि नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग जो हैं वो जंग करने जा रहे हैं, तो इट्स अ डिस्टर्बिंग कॉमेंट, इट्स अ डिस्टर्बिंग थिंग दैट हैपन इन दैट एरिया, सो इट्स अ अनयूजुअल पिक्चर ऑफ दैट इवेंट, सो हम ये कहेंगे कि ये न्यूज़ है। तो हमने ये कहा कि न्यूज़ इज़ द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म की जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, यानी सारे का सारा जो इसका डिपेंड करती है, सारी की सारी क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है जर्नलिज्म की, वो न्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो न्यूज़ जो है वो किसी भी, जैसे न्यूज़ का है मुखफ्फफ जो है वो ये है कि न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। इन एनी रीजन इन एनी प्लेस न्यूज़ जो है वो फ्लो कर रही होती है। अब फ्लो कैसे करती है, कोई इवेंट जो है वो हो गया, हमने देख लिया जी मार्केट के अंदर डिस्टर्बिंग एलिमेंट या कोई अच्छी इन्हेंसिंग या क्रिएटिविटी की एक्टिविटी हो रही है, तो अब हमें वो पता कैसे चला। पहले हमारे पास ये है कि कोई किसी पर्सनली जो है वो कोई शख्स जो है वो वहाँ पर मौजूद है, उसने वो इवेंट देखा और उसने बता दिया कि जी फलां मार्केट के अंदर ये इवेंट हो रहा है या ये एक्टिविटी हुई है, ये चोरी हुई है या कोई इशू हुआ है, वो फर्स्ट पर्सन होगा जो ये बता रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या वो न्यूज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल होगी, क्या वो न्यूज़ इतनी फ़्लो कर सकेगी सब लोगों की तरफ। नहीं, वो न्यूज़ इतनी जो है वो तेज़ी से फ़्लो नहीं कर सकेगी लोगों के दरमियान। क्यों नहीं फ़्लो कर सकेगी, क्योंकि उसका जो है वो मीडियम जो है वो पर्सन है और वो बहुत हुआ तो 10 लोगों को ये बात बता सकता है, लेकिन इसके लिए क्या होगा, एक प्रॉपर मीडिया होगा, ठीक है। मीडिया कौन कौन से होंगे, वो हमारे पास टेलीविज़न हो सकता है, रेडियो हो सकता है, हमारे पास न्यूज़पेपर हो सकता है, हमारे पास सोशल मीडिया हो सकता है, जिसके थ्रू वो इवेंट हमें नज़र आया, वो हैपनिंग हमें नज़र आई, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली। यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है और इस पिक्चर के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर डिफरेंट जो मीडिया है वो हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। एक जो है वो हमारे पास है सोशल मीडिया, फिर हम देखते हैं तो हमारे पास है टेलीविज़न, ठीक है, डिजिटल मीडिया की तरफ आ रही हैं, और उसके बाद हमारे पास है प्रिंट मीडिया, यानी कि हमारे पास न्यूज़पेपर है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ न्यूज़ आ जाते हैं कि कहाँ से हमें सोर्स मिली, ठीक है। हम सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं, सीक्वेंस वाइज अपनी जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि न्यूज़ क्या थी, एक इवेंट था, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक इवेंट हेल्ड किया, या कोई इन्फॉर्मेशन थी, या कोई जो है वो ऐसा हादसा हो गया उसकी न्यूज़ है, तो ये तमाम चीज़ें। अब इन्फॉर्मेशन वो आगे से रिसीवर तक कैसे पहुंचेगी, वो एक प्रॉपर मीडिया के थ्रू पहुंचेगी, और वो मीडिया कौन सा होगा, ये तमाम जो आपके सामने जो मीडिया मौजूद हैं ये हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक न्यूज़ है वो जो है उसकी जो है वो टिकर चल रहे होते हैं टेलीविज़न के ऊपर, यानी इट्स मीन टेलीविज़न इज़ अ मीडियम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास न्यूज़पेपर है और ये हमारे पास सोशल मीडिया, एक पर्सन है, ठीक है, वो है, उसके पास सोशल मीडिया है। आई हैव प्लेंटी ऑफ न्यूज़ सोर्सेज, उसका कहना ये है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी जो है वो न्यूज़ देख रहा होता हूँ, यानी उसने क्या किया कि उसने वही न्यूज़ जो टेलीविज़न पे आ रही है या न्यूज़पेपर पे आ रही है उसको वो
भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल होगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूज़पेपर होते हैं वो भी ई न्यूज़पेपर उसको अवेलेबल होंगे, टेलीविज़न की भी कवरेज जो है वो सोशल मीडिया पे आ रही होती है तो वो भी अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ को बताने की कोशिश की गई है, जैसे न्यूज़पेपर बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लेडी है वो ये बता रही है द पेपर स्टॉप प्रिंटिंग, ठीक है, लास्ट इशू है इसका, और ये कुछ इसके पेपर के बारे में बता रही है, और ये बंदा ये कह रहा है कि इसके पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ कर रहा है। ये तमाम चीज़ें लिंक कर रही हैं कि एक इवेंट हुआ उसको हम लोगों तक पहुंचाएगा कौन, मीडिया पहुंचाएगा, और कौन कौन सा मीडिया पहुंचाएगा, वो चाहे प्रिंट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे वो जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया है, तो ये तमाम मीडिया, इसके अलावा रेडियो हो सकता है, रेडियो भी सोशल मीडिया पे वेब स्ट्रीमिंग के थ्रू दे सुना जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हमें क्या बता रही हैं, सोर्सेज ऑफ न्यूज़। यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया कि एक इवेंट था, एक इन्फॉर्मेशन थी, उस वो हमने या तो खुद देखी या हमें मीडिया ने बताई या हमें किसी और सोर्स से, जो हम आगे जाके देखेंगे प्रॉपरली कि सोर्सेज क्या होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी कि एक इवेंट हुआ और उस इवेंट को हम तक लाने वाला कौन था, उस जो अनयूजुअल एक्टिविटी थी सोसाइटी के अंदर किसी के साथ हुई तो वो उसको हमारे तक लाने वाला कौन था, हमारे तक लाने वाला मीडिया था। जो फर्स्ट हमारे पास इसका किसी भी इवेंट का, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को न्यूज़ बनाने का जो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है या फर्स्ट जो उसकी वर्दीनेस की क्वालिटी है वो क्या है, इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट क्या होता है कि हाउ विल दिस अफेक्ट माय रीडर्स लाइफ, कि ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये बना रही हूँ और मैं ये कहती हूँ कि ये न्यूज़ है, ठीक है, टेलीविज़न इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं जब वो बना रहे होते हैं उस लाइन को, तो वो क्या, हाउ विल दिस अफेक्ट माय रीडर्स लाइफ, ये जो बात हम टेलीविज़न पे कर रहे हैं ये रीडर्स की या लिसनर्स की या व्यूअर्स की लाइफ को कैसे जो है वो अफेक्ट करेगा। दिस वन इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट मेक दिस इवेंट दिस इंफॉर्मेशन इज न्यूज़वर्थी। इम्पैक्ट, कैसे अफेक्ट करेगी ये चीज़ लोगों की लाइफ को, हाउ विल दिस अफेक्ट माई रीडर्स लाइफ, सो दिस इज द रियल गट्स ऑफ द स्टोरी एंड इट्स टिपिकली द लीड दैट यू विल पिच इन टू द पब्लिकेशन, ठीक है। अब इम्पैक्ट कैसे करेगी कि अगर हम कोई भी न्यूज़ जो है वो अपनी हेडलाइन जुटा के देख लेते हैं और हम कहते हैं कि इसने इस तरह से हमारी लाइफ को जो है वो इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, हम ये बात करते हैं कि किसी गवर्नमेंट लीडर के बारे में बात करते हैं कि उसका ये जो काम था, ये हरकत थी, इसने आवाम को मुतासर किया, ठीक है, और इस तरीके से उस लाइन को शेप की जाएगी, इस तरीके से उसकी पैकेजिंग की जाएगी, वो ये बता रहा होगा कि ये जो लाइन थी इसने रीडर्स की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया। लोग कहेंगे हाँ हमारा जो है वो इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया इस लीडर ने, या इसने हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा कर दिया। हम कहते हैं एनर्जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी ये चीज़ इतनी महंगी होगी, और उस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं कि लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ अगर ये चीज़ इतनी महंगी होगी तो हम लोगों ने जो है वो खाना कहाँ से खाना है, या हमारा जो पेट्रोल है वो महंगा हो गया है या सस्ता हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी लाइफ को मुतासर कर रही होती हैं। जो पहला एलिमेंट, जो पहला इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाला जाता है उस इंफॉर्मेशन में, इम्पैक्ट डाला जाता है। इम्पैक्ट मीन कि वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा कि लोग जो हैं उसके अंदर, उस इंफॉर्मेशन के अंदर ऐसा एलिमेंट प्लेस किया जाएगा जो एकदम से उस रीडर को जो है वो ना सिर्फ उसकी तरफ देखने पे मजबूर करेगा बल्कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये चीज़ जो है वो टेलीविज़न पे बताई जा रही है तो इसने तो हमारी ज़िंदगी को ऐसे मुतासर करना है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि इन आर फायर जो है वो इंजन स्टोरी, फॉर एग्जांपल, इम्पैक्ट ऑफ स्टोरी वाज दैट एनीवन लिसनिंग टू रेडियो अनलकी इनफ टू सफर अ हाउस फायर विल होपफुली सफर लेस डैमेज बिकॉज ऑफ दीज अमेजिंग न्यू फायर इंजन, ठीक है। अब क्या होगा कि एक न्यूज स्टोरी बताई जा रही है कि किस तरह से एक फायर इंजन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये बता रहा है कि लोग जो हैं वो उसकी वजह से क्या होंगे, कम डैमेज होंगे, ठीक है। अब
अब इस स्टोरी के अंदर या इस इंफॉर्मेशन के अंदर जो न्यूज़ में दी जा रही है, इट्स मीन के लोगों का तो फ़ायदा है, ठीक है, अब लोग उसकी तरफ देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो इम्पैक्ट सिंपली पुट्स इट्स शोइंग रेलिवेंसी टू द पीपल अफेक्टेड बाय द स्टोरी इवेंट। यानी पहला जो एलिमेंट है न्यूज़ स्टोरी या किसी भी इवेंट को न्यूज़ स्टोरी बनाने का, वो उसका इम्पैक्ट होता है। और इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, उसको हम ऐसी फीलिंग या ऐसी अपील दे देंगे कि वो जो है वो रेलिवेंसी शो करेगी लोगों की ज़िंदगी के साथ। ठीक है, पहली बात की हमने कही कि वो जो इवेंट था, वो इंफॉर्मेशन थी, उसको लोगों की ज़िंदगी के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने जब रेलिवेंसी आ गई तो क्या होगा, लोग उस स्टोरी को देखेंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ द पीपल अफेक्टेड द ग्रेटर द इम्पैक्ट। उसके अंदर ज़्यादा, अगर हम ये कहें कि फलां बिल्डिंग से एक बंदा जो है वो गिरा और उसने जो है वो उसकी डेथ हो गई, नो, इसको स्टोरी नहीं कहेंगे। हम कहेंगे जी फलां बिल्डिंग पूरी तरह से जो है वो ख़त्म होगी और उसमें लाखों हज़ारों लोग, इट्स अ मेजर थिंग इन दिस स्टोरी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गईं एकदम से, हमने जो है वो अनयूजुअल बात बता दी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो इम्पैक्ट है लॉस ऑफ लाइफ का, ये जो है लोगों की तवज्जो उस इवेंट की तरफ करेगा, उस स्टोरी की तरफ करेगा। ये जो है ये पहला इंग्रेडिएंट होगा जो किसी भी इवेंट में डाला जाएगा उसको न्यूज़वर्थी बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं कि इसकी टाइमलीनेस पे। ठीक है, अब टाइमलीनेस क्या है कि टाइमलीनेस नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है, हमने एक पूरे की पूरा पैकेज रेडी करना है। ठीक है, पैकेज फॉर ऑडियंस रेडी करना है। तो हमने पहला इंग्रेडिएंट क्या बताया कि उसके अंदर इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट कैसे होगा कि वो बात हमें लोगों की लाइफ से लिंक करनी है। ठीक है, और लिंक भी उस अनयूजुअल वे में करनी है कि जो पहले से सोसाइटी में मौजूद नहीं है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट इज टाइमलीनेस। टाइमलीनेस की बात करते हैं कि टाइमलीनेस क्या है। टाइमलीनेस इज बेसिकली एड्रेस द क्वेश्चन व्हाई आर यू टेलिंग मी दिस नाउ, आप मुझे ये बात क्यों बता रहे हैं अभी। ठीक है, किस तरह से जो है वो हमने चीज़ों को प्लेस करना है। बेसिक जो एम है, हमारे पास एक इवेंट है, हमने उसको न्यूज़ बताना है। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेशन हम देख रहे होंगे कि हमने जो है वो किस तरह से किस हमारी लाइफ के साथ, फिर हम ये देखते हैं कि ये जो हम इवेंट है उसका लिंक है हमारी लाइफ के साथ, तो उसकी टाइम क्या है। टाइमिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट। यानी पहला इवेंट, पहला इंग्रेडिएंट इम्पोर्टेंट था, उसके साथ जुड़ा हुआ नेक्स्ट इज टाइम। व्हाई यू आर टेलिंग मी दिस नाउ, नाउ इट्स मीन कि अभी ये स्टोरी, ये इवेंट क्यों बताया जा रहा है। दिस शाइनी न्यू फायर इंजन वर न्यू, एक स्टोरी एक पॉइंट को लेके आगे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक सीक्वेंस को चल देख रहे हैं। हमने यहाँ कहा कि इन आर फायर इंजन स्टोरी, फॉर एग्जाम्पल, द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टोरी वॉज एनी वन लिसनिंग टू रेडियो अनलकी इनफ टू सफ़र हाउस फायर विल होपफुली सफ़र लेस डैमेज बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग न्यू फायर इंजन। यहाँ तक हो गया। अब हमें ये चीज़ क्यों अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको कोई स्टोरी बता दी, क्यों बताई जा रही है, वाई रीजन। दिस शाइनी न्यू फायर इंजन्स वर न्यू, वट मेक समथिंग इज न्यू, न्यू इज न्यूज। ठीक है, इट डजेंट मीन द स्टोरी इट सेल्फ हैज़ टू बी न्यू। यानी स्टोरी इट सेल्फ न्यू नहीं है, बताई अभी जा रही है, बट द सम इंफॉर्मेशन हैज़ टू हैव कम टू लाइट दैट मेक द स्टोरी टाइमली एंड रेलिवेंट अगेन। इट्स मीन कि जो उसने चीज़ एक मैन्युफैक्चरर ने बना दी, वो अभी इंट्रोड्यूस हो रही है। एक एक चीज़ उसने बना दी थी, ठीक है,
और लोग हमें पता चल गया था कि वो चीज़ बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, उसको रेलिवेंसी नेक्स्ट ये देनी है, उस टाइम फ्रेम के अंदर पुट कर देना है। जी ये बात कल की बात है। अगर वही बात हम कहेंगे ये बात पिछले साल की है, कोई भी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी ये बात तो आज सुबह हुई है, लोग जो है वो एक्साइटेड हो जाएंगे उसको देखने सुनने के लिए। तो ये जो टाइम का एलिमेंट है, ये न्यूज़ को और जो है वो न्यूज़वर्थी बना देता है। ठीक है, न्यू स्पीशी ऑफ मैसिव डायनासोर डिस्कवर्ड इन अफ्रीका। हैं, डायनासोर तो ख़त्म हो चुके थे, जो एक पुराना कॉन्सेप्ट है हमारे मन, एक नई स्पीशी उसकी इंट्रोड्यूस हुई है, इट्स अ न्यूज़। ठीक है, न्यू समथिंग न्यू, तो इट्स मीन टाइम, अनदर फैक्टर, अनदर एलिमेंट इज टाइम। ऑब्वियसली द डायनासोर इट्सेल्फ इज नॉट न्यू, बट द डिस्कवरी इज। दिस कुड लाइक वाइज बी द केस विद द न्यू एनालिसिस आर द न्यू डेटा फ्रॉम मंथ्स आर इवन ईयर्स अगो, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू एम्फसाइज वॉट्स न्यू। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास न्यू है क्या। ठीक है, हमने ये कह दिया कि जो एलिमेंट्स हैं, जो जो न्यूज़ को न्यूज़ वर्थी बनाने के जो चीज़ें हैं या न्यूज़ वैल्यूज़ हैं, वो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं कि वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है एक इवेंट को न्यूज़ वर्थी बनाने की। हमने कहा कि न्यूज़ वैल्यू में फर्स्ट हमने देखा इम्पेक्ट क्या है। ठीक है, फिर हमने देखा कि टाइमलीनेस क्या है। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ तक चीज़ें होगी, एक इवेंट हुआ उसकी टाइमिंग जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी उस इवेंट को। नेक्स्ट इज प्रोमिनेंस, अनदर क्वेश्चन। प्रोमिनेंस पोजेस द क्वेश्चन, व्हाई आर यू टेलिंग मी दिस। आप जो है मुझे ये क्यों बता रहे हैं, वाई आर यू टेलिंग मी दिस। पहले उसने कहा, क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे, वाई आर यू टेलिंग मी दिस नाउ, अभी क्यों बता रहे हैं। नेक्स्ट इज वाई आर यू टेलिंग मी दिस, क्यों क्यों जानूं मैं, क्यों इंफॉर्मेशन लूं, किस वजह से ये जो इवेंट है ये दूसरों से अलग है। प्रोमिनेंस, एनी फैक्ट्स फ्राम लोकल मेम्बर्स ऑफिस हैड अ प्रिटी डिसेंट शॉट एट मेकिंग अ बुलेटिन एज अ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मथुरिस, ऑलमोस्ट एनी थिंग ही डिड आर सेड वॉज न्यूज वर्थी। हम किसी भी लीडर को लेख देते हैं, जब उसकी उसके ऑफिस की बात हो रही होती है, उसके घर की बात हो रही होती है, उसकी जो है वो फैमिली गैदरिंग की बात हो रही होती है, तो इट्स मीन इट्स अनयूजुअल। उसने आज ये नाश्ता किया, फलां जो पॉलिटिकल लीडर था या प्राइम मिनिस्टर था उसकी बात कर लें, उन्होंने आज इस रोज़ आना करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात, लेकिन आज इस फलां चीज़ के किया या फलां कंट्री में जाके किया, तो इट्स अ अनयूजुअल थिंग। कि वो जो है वो किस वजह से इन्हांस किया जा रहा है, किस लिए हम सुने, क्योंकि अब वो जो है वो लीडर इसलिए वहाँ गया है क्योंकि इसने एक फलां जो है वो मीटिंग करनी है या इस तरह का कुछ। ठीक है, सो वट मेक्स यू एंड योर क्लाइंट वर्थ क्वेश्चन ऑन न्यूज स्टोरीज लाइक दीज, वट क्वालिफाइज यू टू टेल द स्टोरी। क्यों मुझे ये क्वेश्चन आप बता रहे हैं, क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। As marketer, this is really going to qualify the potential label. Potential lead बना देती है उसको. So, but it's important info to establish your credibility as someone qualified to tell the story. वो जो source है, जो person है, वो किस लिए तुम्हें ये information दे रहा है, कि क्योंकि वो जो है उसके पास एक authentic way है, authentic वो एक person ही itself authentic source है जो आपको ये अंदर की बात बता रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यानी हमने इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि पहला इंग्रेडिएंट क्या था, हमारे पास थी न्यूज़ वैल्यू का फर्स्ट इंग्रेडिएंट इम्पैक्ट था, नेक्स्ट उसकी टाइमलीनेस थी, नेक्स्ट उसकी प्रोमिनेंस थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उस इवेंट की
प्रॉक्सिमिटी की। अब प्रॉक्सिमिटी क्या है? प्रॉक्सिमिटी मीन ये अब उस मैन्युफैक्चरर की तरफ आ गया, ये अब उस न्यूज़ स्टाफ है, न्यूज़ हेडलाइन जो है वो न्यूज़ स्टाफ की तरफ आ गए हैं, जिसने ये हेडलाइन बनानी है, जिसने इन्फॉर्मेशन बनानी है, उसने ये सोचना है कि क्या ये स्टोरी मैटर करेगी, मेरे ऑडियंस को अफेक्ट करेगी, डज दिस स्टोरी मैटर टू माई ऑडियंस, उनके लिए इतनी कीमती होगी ये बात समझने के लिए, जानने के लिए, ठीक है। सो दे हैड सेंट द फैक्ट्स टू द राइट प्लेस, दे न्यू दैट के वो जो इंसान है, वो पर्सन है, वो जो है क्या करेगा कि अब इस जो मेन जो उसने मेजर थिंग बनाई है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, उसको बनाते वक्त वो उसकी प्रॉक्सिमिटी को देखेगा कि क्या वाकई ये स्टोरी लोगों को, उसकी अटेंशन को ग्रैब करेगी। दे हैड सेंट द फैक्ट्स टू राइट प्लेस, दे न्यू दैट अ बेथरस्ट रेडियो स्टेशन वुड हैव केयर अबाउट द न्यू फायर इंजन्स ड्राइविंग अराउंड टाउन एंड आई डाउट दे वुड हैव द बोदर सेंडिंग अ प्रेस रिलीज to the radio station at the next town because the reach of the story was limited. It's mean ki proximity is all about understanding the impact of your new story. Proximity kya hai? Ke aap logon ne ye janna hai ki us new story ne logon ki life ko zyada mutasir kiya hai, kam mutasir kiya hai. लोगों ने उसको ज़्यादा सुना है, कम सुना है, किस लिहाज से उसने जो है वो उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि उनके उनको ये तो हमने फर्स्ट की तरफ जाते हैं, हमने कहा था कि इम्पैक्ट है, अफेक्ट करेगा उनकी लाइफ को, कितना करेगा वो बेसिकली हमारे पास आ जाती है इसकी प्रॉक्सिमिटी। हमने ये कहा कि ये न्यूज़ लोगों की लाइफ को इम्पेक्ट करेगा। ग्रेडिंग चले जाएं तो हम कहेंगे कि उसकी प्रॉक्सिमिटी है, अंडरस्टैंडिंग द इम्पेक्ट ऑफ योर न्यूज़ स्टोरी फॉर द ऑडियंस। हमने ये देखना है कि लोगों की लाइफ को उस न्यूज़ स्टोरी ने किस हद तक इम्पेक्ट किया है, ठीक है। अब हमारे पास एक और इन्ग्रीडियंट मार्केटिंग लेवल पर जाके हम देखेंगे इसको कि मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, मैं इस इंफॉर्मेशन को न्यूज़ बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी चीज़ है जो इस इवेंट को लोग जो हैं वो ख़रीदेंगे, लोग उस बारे में जानेंगे और उसको ख़रीदेंगे भी। पहली तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन बता दे, चाची आपको फ्रेंड आपको बता देता है कि फलां जगह जो है वो ये बात हो गई, ठीक है, आपने सुन ली, इट्स ओके। अब एक ऐसी न्यूज़ जिसको आप जो है आपका दिल करेगा कि आप न्यूज़पेपर लें उस न्यूज़ के लिए, जॉब अनाउंस हो गई है, चलते चलते आपने देख लिया, अब आपका दिल कह रहा है कि आपने उस चीज़ को जो है वो एकदम से एक किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की है, तो आपका दिल करेगा हाँ मैं ये ले लूँ, मैं डिटेल पढ़ूँ और मैं उसका मैथड देखूँ। नहीं लिया, आपने सर्च किया, उसका एडवर्टाइजमेंट निकाला, आपने आपका दिल किया क्या जो है वो आप उसकी डिटेल देखें, या आपका इंटरेस्ट जो है वो किसी स्पोर्ट कार की तरफ है, आपका दिल किया कि उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखें। जब ये एलिमेंट होगा कि लोग उस चीज़ को देख के ख़रीदने पे मजबूर हो जाएं, तो वो उसका बाजारी एलिमेंट होगा, यानी मार्केटिंग की साइड पर कहते हैं। इज़ एनी थिंग अनएक्सपेक्टेड अबाउट दिस स्टोरी? So this news value is best expressed through a great journalist for some that I'm sure the mangle, but let's give it a shot. When a dog bites a man, hey, ये कैसी story है कि एक जो है वो dog bite a man, ये तो story नहीं है, it's not interesting story, it happens all the time. मैंने पहले कहा कि लोग जो है कुत्ते जो हैं वो गलियों में आम घूम रहे हैं और उन्होंने लोगों को काट नहीं है, ठीक है। But if a man's bite a dog, then it's new. Wow, ये क्या हो गया? हाँ, कैसे इंसान ने कुत्ते को काट लिया? Or Ron Burgundy might put that. Well, how about that? ठीक है?
यानी ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान, अब इसके बारे में देखते हैं, अब और जानते हैं, ठीक है। बंदा रुकेगा, सोचेगा कि हमने नहीं जो है वो इस चीज़ को और जानना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, ठीक है, शॉकिंग न्यूज़ है, तो उसको देखेगा, जानेगा। सो देर वॉज नथिंग बिजारी अबाउट द फायर इंजन स्टोरी, नॉर डिड इट हैव एनी एलिमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, करेंसी, ह्यूमन इंटरेस्ट। द फाइनल थ्री न्यूज़ वैल्यू आर अबाउट द गेट, बट इट दैट्स ओके, रियली अ पीस ऑफ स्टोरी यू आर पिचिंग फिट ऑल दीज पैरामीटर एंड इट कैन स्टिल बी न्यूज वर्थी। यू जस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ वेयर योर स्टोरी इज स्ट्रॉन्ग एंड प्ले दो स्ट्रेंथ अप। यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की, अनदर जो है वो एलिमेंट के बाद। कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट साइड्स ऑफ दिस इशू एंड व्हाट आर देयर आर्गुमेंट्स। क्या ये बात किस हद तक ठीक है कि फलां जगह जो है, या हम ये कह दें कि बलूचिस्तान में बर्फबारी होगी, मेरा ये कहने का मकसद किस हद तक ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, एकदम से पॉइंट आता है माइंड में, ये चीज़ ऐसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये जो होना और ना होने का मकसद है ना, ये दो जो है वो कॉइन की साइड है। व्हाट आर देयर आर्गुमेंट्स। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट किस वक्त होता है, जब हम एक काम कर रहे हैं और उसके अपोजिट दूसरी फोर्स भी आ जाए, ठीक है, डिफरेंट जो है वो उसका ओपिनियन हो। तो व्हाट आर द डिफरेंट साइड ऑफ दिस इशू एंड व्हाट आर देयर आर्गुमेंट्स। थिंक अबाउट द वे द पॉलिटिकल न्यूज़ इज रिपोर्टेड, इट्स ऑलमोस्ट कवर्ड लाइक स्पोर्ट, ठीक है, राइट। यू हैव गॉट टू टीम्स फाइटिंग इट आउट ऑल द टाइम्स। अब हम बात कर रहे हैं दो टीमों की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर लेते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। यू हैव गॉट टू टीम्स फाइटिंग इट ऑल आउट ऑल द टाइम्स, दोनों मध्य मुकाबले हैं, एंड इट नेवर सीम्स लाइक दे एग्री ऑन एनीथिंग। क्या हुआ कभी ऐसा कि दोनों जो हैं वह एग्री हो गए एक पॉइंट पे, ये ट्रॉफी आप ले लें जी, आप ले जाएं, हम हार जाते हैं, आप जीत जाएं, नो। वेल, पार्ट ऑफ द रीज़न इज इट सीम्स लाइक दे कैन नेवर एग्री इट बिकॉज स्टफ दे डू एग्री ऑन द बोरिंग। इफ अमेरिकन्स वॉन्टेड टू सी पॉलिटिशंस एग्रीइंग विद ईच अदर, दे वुड वॉच सी स्पैन इंस्टेड दे वॉच केबल न्यूज़। इट्स मीन लोग उस चीज़ को देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे जो आम लाइफ में मौजूद है, वो एकदम से उसके नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, वो उसके दूसरे साइड की तरफ भी सोचेंगे कि क्या ऐसी बात हो सकती है कि दो जो चीज़ें हैं, दो टीमें हैं, वो एक पॉइंट पे जो है वो एग्री हैं या डिसएग्री हैं। सो ह्यूमन आर नॉट ऑलवेज इन द मूड फॉर गुड न्यूज़। एक चीज़ आसानी से मिल गई, या हम ये कहें मौसम बहुत खुशगवार, इट्स ओके, होता है होता है, ठीक है, नो मूड फॉर लिसन दिस, एंड दैट्स बिकॉज द मोस्ट पीपल लव कॉन्फ्लिक्ट। लोगों को कुछ स्पाइसी चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, स्पेशली सिंपल टू साइडेड कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा अपोजिट भी सोचना है। लोगों ने ये कह दिया जी यहाँ पे वहाँ पे ये काम होगा, तो फिर कहेंगे हैं क्यों होगा, वहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा, उनको ये इस तरह की स्टोरी चाहिए। सो इट एंगेज एज इमोशनली एज वी गेट टू जज द मेरिट्स ऑफ आर्गुमेंट्स, जज दोज हु आर रॉन्ग एंड गेट आर राइटस एग्रीमेंट, ठीक है। यानी हम, मैंने आपको एक एग्जांपल दी, टेल आप देख लेते हैं पाकिस्तान इन इंडिया का मैच, और उसमें हम देखेंगे कि उन्होंने वो एक साइड पे एग्री हो गए, हो ही नहीं सकता होंगे, ठीक है, लेकिन क्या है, लोग उनकी उसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो किसी भी सिंपल चीज़ को नहीं मानेंगे, उनके लिए वो स्टोरी ही नहीं है, वो न्यूज़ ही नहीं है। टू मी मैनी कॉन्टेंट मार्केटर्स कुड डू मोर विद द कॉन्फ्लिक्ट एज अ न्यूज़ वैल्यू। लाजमी ये एलिमेंट डाला जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट लाजमी डाला जाएगा जी, फलां जो है, फलां जगह जो है वो चीनी की कीमत इतनी है, लेकिन फलां जगह इतनी भी है, तो लोग इंटरेस्टिंग होंगे उस फलां जगह को जानने के लिए, और एक्स वाई जी प्लेस को जानने के लिए, जहाँ पे उनको जो है वो चीज़ जो है वो सस्ती मिलेगी। इट्स ऑब्वियस,
बहुत कम लोग होंगे जो जाके सीधा एक ही पॉइंट से खरीद लेंगे, ठीक है, और वो उनको वो चीज़ जो है वो दूसरी जगह पे जब न्यूज़ बताई जा रही है तो वो इंटरेस्टिंग होंगे, व्हाई दिस इज हैपन, ठीक है। क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ट्रिकी, ट्रिकी वे में जब हम चीज़ों को बताएंगे तो वो क्या होगा, लोग उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ये एलिमेंट भी हम जो है वो देखते हैं, ये डाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेंसी के, ये जो आइडिया है, ठीक है, करेंसी क्या है कि इन इज दिस इवेंट इज ट्रेंडिंग, ट्रेंड है इसका, ठीक है, यानी ट्रेंडिंग है ये चीज। करेंसी मीन्स दैट इन आइडियाज टाइम हैज कम, उस आइडिया का टाइम आएगा। द आइस बकेट चैलेंज इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ करेंसी, इन्होंने एक एग्जाम्पल दी, ठीक है, क्या हुआ कि दिस स्टोरी जनरेटेड अ मोमेंटम कम्प्लीटली ऑफ इट्स ओन एंड न्यूज आउटलेट कवर एवरी थिंग फ्रॉम द लेटेस्ट वीडियो ऑफ सेलेब्रिटी डंपिंग वाटर ऑन देयर हेड टू द इकोनॉमिक्स ऑफ फिनोमेना, कि एक जो है वो सेलेब्रिटी की बात जो है वो न्यूज स्टोरी में जो है दी गई कि उसने ये काम किया, एक सीजनल पीस था कि किसी जो हमारे पास स्टार हम कहते हैं जिन्हें टेलीविजन जो है सेलिब्रिटी हैं, उसने ये काम किया, और जब ये काम किया तो इट्स मीन कि वो क्या ये ट्रेंडी लग रहा है, इसके अंदर ऐसा टाइम है, ऐसी टाइम फ्रेम सेट की गई है कि ये यहाँ पे जो है वो इन होगा, इस इंफॉर्मेशन के लिए ये राइट टाइम है, राइट सीजन है। सो राइट नाउ वी आर बीइंग इनंडेटेड विद द एंड ऑफ ईयर लिस्ट एंड न्यू ईयर रिवॉल्यूशनरी स्टोरीज एंड सो ब्ला ब्ला ब्ला, ये तमाम चीज़ें हम अगर किसी भी इवेंट की तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं कि जी फलां सीज़न जो है वो जैसे ही सीज़न आएगा उसके साथ स्टोरीज आएंगी, तो वो जो है वो उसकी ट्रेंडी पीस होगा। इट्स मीन एकदम से वो स्टोरी आई, वो सीज़न से मैच कर रही थी, तो इट्स मीन कि वो स्टोरी जो है वो छा जाएगी, उसके बारे में लोग ज़्यादा देखने की जानने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं, जैसे हम कोई सीज़न बात कर लें तो सीजनल स्टोरीज़ क्या होंगी कि जो हमारे पास रिलीजियस इवेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, रदर देन हम वैलेंटाइन डे के बारे में बात करें या इस तरह की बात करें, हम देखते हैं कि वहाँ की जो स्टोरीज़ होंगी वो ज़्यादा अटेंशन जो है वो ग्रैब करेंगी लोगों की, ठीक है, वो करंट होंगी, वो उस सीज़न से मैच कर रही होंगी, तो वो ज़्यादा जो है वो अटेंशन ग्रैब करेंगी। उससे साथ मिलता जुलता उससे अटैच एक और चीज़ बताती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ह्यूमन इंटरेस्ट। ह्यूमन इंटरेस्ट, आर देयर अट्रैक्टिव पीपल हु आर इम्पैक्टेड बाय दिस स्टोरी, ठीक है, ह्यूमन इंटरेस्ट की बात की गई है कि देयर आर देयर अट्रैक्टिव पीपल हु आर इम्पैक्टेड बाय दिस स्टोरी। So when you think human interest, you probably think of these crispy stories. Like your grandma loves 60 minute about some poor lady who got ripped off by her builder. It's a story. Human interest ki baat hai. However, human interest can still be a very handy tool. So people want to read stories about other people. So a human interest angle can be especially useful in helping you put a human face on bigger story and need to be personalized. इसलिए वो अपील शो की जाएगी, हम जैसे कहते हैं ये जो है ये इट्स अ काइंड ऑफ अपील, वो जो है वो लोगों के इमोशंस को टच कर रही होगी, लोगों की फीलिंग को टच कर रही होगी, उनकी नीडीनेस को टच कर रही होगी, ये तमाम चीज़ें। हम कहते हैं कि फंड रेजिंग कैंपेन हो रही है टेलीविज़न के अंदर और स्टोरी ये आई है जी फलां कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आफात हैं या कुछ उसके अंदर ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं, एकदम से ये स्टोरी आई, लोगों ने इस स्टोरी को एकदम से लिया, एकदम से उसको एक विद इन अ सेकेंड लोगों का इंटरेस्ट उसकी तरफ हुआ, क्योंकि ये उनकी टची अपील थी, ये उनकी फीलिंग्स थी, ये इमोशंस थे, ये उनकी सोसाइटियल लेवल पे एक होने वाली चीज़ थी, तो इसने क्या किया, लोगों की अटेंशन ग्रैब की।
इस वजह से वो लोग सुनने पे मजबूर हो गए उस चीज़ को. सो दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द वैल्यूज जो किसी भी इवेंट को क्या करते हैं, न्यूज़ वर्थी बनाते हैं. जब हम इन चीज़ों को सम अप करने की कोशिश करते हैं, पुटिंग दिस ऑल टू वर्क, ठीक है, हम क्या करते हैं, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज़ वेरी गुड पी आर गाय, हिज ग्रेट कंसिस्टेंसी, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन है. इस एग्ज़ाम्पल को अगर हम ना भी लें, ठीक है, यहाँ पे हम किसी और एग्ज़ाम्पल को ले लेते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि किसी और एग्ज़ाम्पल को लेते हैं, हम जो हमारे यहाँ अब इन एग्ज़ाम्पल है, हम कहते हैं कि एक फलां जो लीडर है उसने ये कह दिया है कि हमारी जो कंट्री थी, ठीक है, जो कंट्री है उसके जो मैप है उसको चेंज कर दिया जाए. ठीक है, अगर हमारे 5 और 4 प्रोविंसेस हैं तो हम क्या करते हैं उसको, ऑलरेडी हमें पता है हमारे कितने प्रोविंसेस हैं, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि उसके अंदर चेंजेस इस तरह से बुलाएगा कि उसने ये न्यूज़ आ गई हमारे पास कि ये जो एरियाज़ हैं इनको हम कहते हैं कि ये फलां के साथ, प्रोविंस के साथ अटैच हैं, ये फलां के साथ, ये फलां के साथ, ये जो न्यूज़ है इसमें तमाम एलिमेंट आ जाएंगे. यानी रीसेंट है, हमारी लाइफ के साथ अटैच है, हमारे इमोशंस के साथ अटैच है, एकदम से आई है, टाइम ऐसा है कि गवर्नमेंट में कुछ भी हो सकता है, यानी ऊपर नीचे आगे पीछे कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, एकदम से कोई नया प्लान भी सामने आ सकता है. सो दिस इज़ अ टाइम जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि बाजारी एलिमेंट भी है, जिसमें प्रॉक्सिमिटी भी है, प्रोमिनेंस भी है, ह्यूमन इंटरेस्ट का भी है. तो ये जो चीज़ है ना, ये न्यूज़ है. ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ न्यूज़ की. हमने ये तमाम चीज़ें देखी, हमने ये तमाम वैल्यूज़ देखी, किस मीडिया पे देखी, कहाँ से हमें पता चला ये चीज़ें. ठीक है, हमें हवा से तो नहीं पता चला ना, एकदम से पिक्चर तुम्हारे सामने कहीं पे तो आई ना, किसी ने हमें बताया, कहीं से हमने पढ़ा, कहीं से हमने देखा, कहीं से सुना. सो दिस इज़ अ मीडिया. ठीक है, सो सोर्सेज ऑफ न्यूज़ इन जर्नलिज्म एंड इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़ सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है. ठीक है, सो एनीथिंग दैट प्रोवाइड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज सेड टू बी अ न्यूज़ सोर्स. ठीक है, न्यूज़ सोर्स कैन बी मोर मूविंग पर्सन. ठीक है, इंसान है, चलते चलते उसने आपको एक बात बता दी, या स्टिल एक डॉक्यूमेंट है, किसी न्यूज़ पेपर में आपने देख लिया. So such a people who have witnessed the crime would be the news sources, or documents found at the suicide crime spot would be considered as a news sources. वो भी न्यूज़ है. सो देर आर सेवरल न्यूज़ सोर्सेज सच एज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, विटनेस हैं उस क्राइम सीन के, या विक्टिम खुद इटसेल्फ न्यूज़ बताने वाला है. अब वो मूव कैसे करेगी, वो जो है तो प्रिंट मीडिया के थ्रू मूव कर रही है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू वो मूव कर रही है, उस पर्सन के मुँह जो है वो उससे, वर्ड ऑफ माउथ इज अ सोर्स ऑफ न्यूज़. ठीक है, सो न्यूज़ सोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर द बोथ द जर्नलिस्ट एंड द ऑडियंस. ठीक है, दोनों को चाहिए. हेयर आर वी गोइंग टू डिस्कस द न्यूज सोर्सेज कौन कौन सी होती हैं. ठीक है, अर्लीस्ट डेज में देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक टेक्निक ऑफ ड्रम थी. क्या होता था कि किसी, जब हम पहले की बात करें तो कोई न्यूज़ उन्होंने बतानी है तो वो उस एरिया में जो है वो ड्रम बीटिंग की एक टेक्निक यूज़ की जाती थी, और लोग इकट्ठे होते थे और उनको वो खबर दी जाती थी. ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है कि ऑल दीज न्यूज सोर्सेज वर एलिमिनेटेड एंड देन प्रेस टुक प्लेस. एक प्रेस ने वो जगह ले ली, फिर इलेक्ट्रॉनिक ने ले ली. ठीक है, फिर उसके बाद सोशल ने भी ले ली. अब सो टेलीविजन, रेडियो, प्रेस रिलीज, कॉन्फ्रेंस, न्यूज़पेपर, प्रेस इंटरव्यूज, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, तमाम चीज़ें हमें बता रही होती हैं न्यूज. रेडियो की बात करें, एक ऑडियो मीडियम हमारे पास मौजूद है. ठीक है, उसकी क्वालिटी अलग है. ठीक है, उसकी क्वालिटी ये है कि हमारे पास टाइम नहीं, हम जा रहे हैं कहीं पर और हमने चलते चलते न्यूज़ सुन ली. ठीक है, नेक्स्ट हम टेलीविज़न की बात करें, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसकी ऑडियो विजुअल क्वालिटीज़ हैं, ऑडियो विजुअल करेक्टरिस्टिक हैं, तो भी हमें वो अफेक्ट करेगा. ठीक है, उसने उसकी ये क्वालिटी भी अफेक्ट करेगी. न्यूज़पेपर की बात करें तो इसकी शेल्फ लाइफ इतनी है कि इसके ऊपर आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हमें अफेक्ट करेगी. ठीक है, तो दीज आर द सोर्सेज. सो दीज टू आल्सो एक्ट एज अ गुड सोर्सेज ऑफ न्यूज़, मैगजीन, न्यूज़पेपर.
ऑन द बोथ लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो 5 W's 1 H, ठीक है, कि ये इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टार्ट होगी, हु व्हाट व्हेन व्हाई हाउ, ये तमाम चीज़ें न्यूज़ इसके अंदर प्लेस होंगी, ये भी न्यूज़वर्थी एक मीडियम है। प्रेस रिलीज आ जाती हैं, फिर प्रेस नोट की बात करते हैं, हैंड आउट की बात करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमें क्या बता रही हैं, न्यूज़ बता रही हैं, न्यूज़ को मूव कर रही हैं, ठीक है। प्रेस स्टेटमेंट्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, न्यूज़ को बता रही हैं, न्यूज़ को बताने का एक ज़रिया है जो हमें, हम तक वो इन्फॉर्मेशन लेके आ रही हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इन तमाम चीज़ों को लेते हुए, फिर हम बात करते हैं इनके बताते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ हैं उसमें सबसे पहले हमने देखा एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्साइज एंड क्लियर। अब सबसे पहले एक्यूरेसी को हमने देखा कि एक्यूरेसी मीन्स स्टेटमेंट नेम्स एजेस डेट कोटेशन एटसेट्रा एक्यूरेट, ठीक होने चाहिए। जिस इवेंट के बारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर्सन, जिस एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा है वो सही जगह सही प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद हमने ये देखा बैलेंस है, वो चीज़ इंटरेस्टिंग वे में बताई जा रही है बट उसके अंदर कोई ना कोई जो है वो मीनिंगफुल मैसेज है। बैलेंस इन द स्टोरी मीन्स टू प्रेजेंट इन स्टोरी इन सच अ वे दैट इट कन्वे द मैसेज ऑफ इवेंट इन अ मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग वे एंड गिव अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इफ दैट रिपोर्ट, यानी उसको इमोशनल वे में टच किया गया है। फॉर एग्जांपल कहीं कोई चीज़ हो गई है, अनयूजुअल हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई है, तो वो एक इवेंट को जो है वो कैप्चर किया जा रहा है, लेकिन उसकी जो रिपोर्टिंग की जा रही है वो उस फैक्ट को बताने की जो चीज़ बताई है, किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, किस तरह से उसकी एंगलिंग की जा रही है, एक इमोशनल और मीनिंगफुल वे में की जा रही है, तो इट्स मीन कि वो बैलेंस है, यानी एक फैक्ट्स भी बताए जा रहे हैं लेकिन मीनिंगफुल वे में बताए जा रहे हैं, तो वो चीज़ न्यूज़ है, ठीक है, वो एलिमेंट है। नेक्स्ट हम बात करें ऑब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिव मीन कि वो जो न्यूज़ एंकर है वो खुद से कुछ ऐड नहीं कर सकता अपना, वो ये नहीं कह सकता जी फलां जगह ये हादसा हुआ तो मेरे ख्याल से ये जो हादसा है ये यहाँ नहीं हुआ किसी और जगह, इट्स नॉट अ न्यूज़, या ये हादसा ही नहीं है, ये प्री प्लान मर्डर है, या फिर ये किसी और चीज़ के बारे में है, तो इट्स नॉट अ न्यूज़। उसने ये बताना है जी फलां जगह फलां टाइम पे ये काम हुआ है। सो ऑब्जेक्टिविटी मीन्स टू रिपोर्ट द फैक्ट एग्जैक्टली द सेम वे एज दे अकर्ड, सो इट गोज अगेंस्ट ऑब्जेक्टिविटी इफ द रिपोर्टर एड समथिंग फ्रॉम हिज ओन इमेजिनेशन, कमेंट्स, सजेशन, प्रपोजल इज नॉट द टास्क ऑफ न्यूज़ रिपोर्टर। न्यूज़ रिपोर्टर जो होगा उसने ना अपने से कमेंट्स करने हैं, ना अपनी इमेजिनेशन लगानी है, ना सजेशन देनी है, ना कोई प्रपोजल प्लेस करना है, सो इट्स नॉट अ जॉब ऑफ न्यूज़ रिपोर्टर। फिर हम बात करते हैं कॉन्साइज एंड क्लैरिटी की। वो जो न्यूज़ है वो इस हद तक क्लियर होनी चाहिए कि लोग जो हैं वो उसको समझ सकें, उनको पता चले किस बारे में है, क्लियर हो, कॉन्साइज हो, एक लंबा चौड़ा जो है उनके ऊपर जो है पूरा ऐसे नहीं बताया जा रहा होता, सिंपल सी वर्डिंग होती है, इजी वे में लोगों को समझ आने वाली। ब्रेविटी एंड सिंप्लिसिटी आर द सोल ऑफ जर्नलिज्म, सो जर्नलिस्टिक लैंग्वेज इज सिंपल, इजी, कॉन्साइज, क्लियर, ठीक है। सो इट्स बेसिक एम इज टू कन्वे द मैसेज इन द सिंपलेस्ट वे टू द मैसेज बिकॉज एवरी पर्सन इन द मैसेज इज नॉट हाईली एजुकेटेड। वो न्यूज़ एक आम शख्स भी सुन रहा है, वो एक मजदूर भी सुन रहा है, वो एक बिजनेसमैन भी सुन रहा है, वो आम जो हाउस कीपर औरत है, मर्द है, वो भी सुन रहा है, जो एजुकेटेड है वो भी सुन रहा है, जो अनएजुकेटेड है वो भी सुन रहा है, सो इट्स मीन इट्स क्लियर, सिंपल वे में सबको समझ आने वाला तरीका, ये चीज़ें जो हैं वो बनाती हैं इसको न्यूज़। अब हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ न्यूज़। हमने कहा टाइप्स ऑफ न्यूज़ है, दो तरह की न्यूज़ होती हैं, एक होती है हार्ड न्यूज़, एक होती है सॉफ्ट न्यूज़। हार्ड न्यूज़ होती है क्या कि जनरली रेफर्स टू अप टू द मिनट न्यूज़ एंड इवेंट दैट आर रिपोर्टेड इमीडिएटली आफ्टर इट टेक प्लेस, सो इट्स अ हार्ड न्यूज़, ठीक है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपके सामने दी गई हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, वॉर, क्राइम, ऑल दैट कंसिडर एज हार्ड न्यूज़, एंड द टर्म हार्ड न्यूज़ यूजली रेफर टू द न्यूज़ दैट इज़ वेरी सीरियस and this news trend to be urgent. For example, Toronto is the area that would be considered hard news.
एकदम से हुई, एकदम कोई हादसा हो गया, एकदम कोई इवेंट हो गया, या कहीं बिल्डिंग कोई गिर गई, सो इट्स हार्ड न्यूज़ एकदम से बताई जाएगी। सॉफ्ट न्यूज़ क्या होगी कि लेस इम्पोर्टेंट बट इट इंटरटेन दो इट्स इनफॉर्म इंक्लूड ह्यूमन इंटरेस्ट एंड फीचर स्टोरीज दैट रिलेट टू हार्ड न्यूज़ अपील टू द इमोशंस मोर देन इंटेलेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, अ कंपेनियन स्टोरी अबाउट द पर्सन हु स्टेटेड द सेम सॉफ्टवेयर कंपनी एंड इज मोटरसाइकिल कलेक्शन, दिस इज अ सॉफ्ट न्यूज, आम किसी रूटीन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अगेन हम एक दफा रिवाइज करते हैं। हमारे पास है न्यूज राइटिंग, न्यूज राइटिंग के अंदर की पॉइंट्स क्या थे, डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ न्यूज, न्यूज वैल्यूज को हमने देखा, सोर्सेज ऑफ न्यूज को देखा, न्यूज रिपोर्टिंग, सिलेक्शन ऑफ न्यूज, हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूज, हमने ये कहा कि न्यूज क्या है। ठीक है, न्यूज इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ जर्नलिज्म, मैनी डेफिनेशन यू रीड इट। ठीक है, एलिमेंट्स की बात की, उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कंसाइज एंड क्लियर होना चाहिए। एक्यूरेसी, कॉन्साइज, क्लियर होना, इट्स मीन कि वो जो है वो सिंपलेस्ट वे में, ईजी फॉर्म में लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमने मूव किया न्यूज़ वैल्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ वैल्यूज़ में हमने देखा कि न्यूज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, उनको हम एक दफ़ा फिर रिपीट कर देते हैं। न्यूज़ की जो वैल्यूज़ थी, हमने सबसे पहले देखा कि उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो इम्पैक्ट होना चाहिए, हाउ विल दिस अफेक्ट माई रीडर्स लाइफ। नेक्स्ट हमने कहा टाइमलीनेस, एक प्रॉपर टाइम, टाइमलीनेस एड्रेस द क्वेश्चन वाई आर यू टेलिंग मी दिस नाउ। फिर हमने ये कहा प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस मीन के हाउ वाई यू आर टेलिंग मी दिस। नेक्स्ट हमने कहा प्रॉक्सिमिटी, डज दिस स्टोरी मैटर टू माई ऑडियंस। उसके बाद हमने कहा कि बाजारीनेस, इज देयर एनी थिंग अनएक्सपेक्टेड अबाउट द स्टोरी। फिर हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, वट आर द डिफरेंट साइड ऑफ इशू एंड वट आर देयर आर्गूमेंट्स। फिर हमने करेंसी की बात की कि इज दिस वन इज ट्रेंडी, ट्रेंडिंग होनी चाहिए, ट्रेंडिंग न्यूज स्टोरी जो है वो उस टाइम और सीजन को अफेक्ट करेगी। ह्यूमन इंटरेस्ट, ह्यूमन से लिंक करती हुई। ठीक है, फिर हमने टाइप ऑफ मीडिया को देखा, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके अंदर रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, प्रेस रिलीज, न्यूज मैगजीन। फिर हमने बात की हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ की। हार्ड न्यूज़ क्या है कि दिस टाइप ऑफ न्यूज स्टोरी इज अप टू द मिनट न्यूज एंड इवेंट्स दैट आर रिपोर्टेड इमीडिएटली आफ्टर दे हैव टेकन प्लेस, सब्जेक्ट मैटर मे बी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वॉर, क्राइम, रेफर टू द न्यूज विच इज अर्जेंट, सीरियस। ये हमारे पास है हार्ड न्यूज़। और उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है सॉफ्ट न्यूज़, जो आम रूटीन में है, फैशन है, गॉसिप है, सेलिब्रिटी है, टेक्नोलॉजी है, ह्यूमरस है, फील गुड स्टोरी, इट्स नॉट टाइम सेंसिटिव। ये स्टोरी जो है वो इंटरटेन करेगी। दिस टाइप ऑफ न्यूज स्टोरी इज इंटेंडेड टू इंटरटेन आर इन्फॉर्म द रीडर, रेफर्स टू द स्टोरी दैट आर यूजली ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट, सब्जेक्ट मटीरियल मे बी सेलिब्रिटी गॉसिप, फैशन, टेक्नोलॉजी, ह्यूमरस, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे पास, इट्स नॉट टाइम सेंसिटिव। और दूसरी जो है वो हमारे पास वो एक टाइम सेंसिटिव न्यूज़ होंगी, वो हमारे पास होंगी हार्ड न्यूज़। ठीक है, यहाँ तक बात होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं न्यूज़ वैल्यूज़ की। न्यूज़ वैल्यूज़ में हमने तमाम चीज़ें देखी, इम्पैक्ट, टाइमलीनेस, प्रोमिनेंस, प्रॉक्सिमिटी, बिजारीनेस, कॉन्फ्लिक्ट, करेंसी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये न्यूज़ वैल्यूज़ थी। न्यूज़ वैल्यूज़ के बाद हमारे पास आ जाता है इसका मीडिया, मीडिया कौन कौन सा था, न्यूज़ सोर्सेज कौन कौन सी थी, रेडियो था, टेलीविज़न था, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स से, प्रेस रिलीज थी, प्रेस नोट्स से, हैंडआउट से, प्रेस स्टेटमेंट थी। ये तमाम चीज़ें जो हमें न्यूज़ बता रही होती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो ट्रेडिशनल मीडिया है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की हार्ड न्यूज़ की। और उसके बाद हमने वो न्यूज़ जो टाइम सेंसिटिव होंगी, इमीडिएसी होगी उनके अंदर, तो वो जो न्यूज़ होंगी वो हार्ड न्यूज़ होगी। सॉफ्ट न्यूज़ जो होंगी वो आम सी डिस्कशन होगी किसी सेलिब्रिटी के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी बुक फेयर के बारे में, ये जो है ये सॉफ्ट न्यूज़ होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।